कराची में बल्दियाती हुकूमतों के कयाम के मुद्दत के खात्मे के बाद शहर का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? विफाक और सूबाई हुकूमत एक बार फिर से आमने सामने आ गए, कोई नाम फाइनल ना हो सका। सिंध में बल्दियाती हुकूमतों के कयाम की मुद्दत खत्म। मेयर कराची वसीम अख्तर आज रात 12 बजे के बाद मेयर कराची नहीं रहे, जबकि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने नाम दे दिए हैं। जराए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से नजम शाह का नाम सामने आया, जबकि विफाकी हुकूमत यूनस धागा को एडमिनिस्ट्रेटर कराची देखने की ख्वाहिशमंद है। ताहम दोनों में से किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हो सका है। नजम शाह सूबाई सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हैं और यूनस धागा विफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स रह चुके हैं। बासर हल्कों की जानिब से साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनस धागा को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और वो कराची के खुद मुख्तार और आजाद एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इस हवाले से तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब यूनस धागा की मेयर कराची तैनाती को अफवाह करार देते हुए इसे अक्सर मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर के नाम के लिए यूनस धागा के नाम पर गौर नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती काबीना का इख्तियार है।